आज की डेट में एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, उसको ADHD बोलते हैं। ADHD का मतलब क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो एक जगह पे टिकता ही नहीं, एक साथ माइंड में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं। एक प्रॉब्लम है कि पहले जो हमारा ध्यान आप ये कह सकते हो चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है, किसी ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में है, किसी पर्सन के कंट्रोल में है, कुछ सिचुएशन के कंट्रोल में है, एक्सटर्नली बहुत कुछ है जिसके कंट्रोल में है हमारी जो अटेंशन। और ये जो टेक्नोलॉजी है, इन द सेंस जो भी हम मोबाइल पे जो भी करते रहते हैं सुबह से रात तक, उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती चली जा रही है। तो वी आर ऑल ड्रिवन बाय सेंसेशंस, अपने जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू सेंसेशंस चाहिए। जहां सेंसेशन मिलती है वहां पर हमारा ध्यान लगता है, जितनी देर के लिए सेंसेशन मिलती है उतनी देर के लिए ध्यान लगता है, जैसे ही सेंसेशन मिलनी बंद हो जाती है वहां से ध्यान हट जाता है। तो देखा जाए तो आपकी लाइफ को ये सेंसेशंस कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी अटेंशन स्टक हो जाती है एक पॉइंट पे, उसको सफरिंग बोलते हैं। थिंकिंग अगर एक ऑर्डर में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग कॉन्शियसली, अपनी मर्जी से सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, सोचते रहो कुछ भी। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग इज, और कहीं के कहीं भाग रहे हो अंदर ही अंदर, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हो एट द साइकोलॉजिकल लेवल, अब वो सारी प्रॉब्लम्स यही नहीं है कि आपकी जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है वो कहीं पर फंस गया है, दैट कुड बी पास्ट, दैट कुड बी फ्यूचर। तो हम ये जो अंदर बोलते रहते हैं उसकी वजह से फीलिंग्स इमोशन सब ट्रिगर होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ डर है वहां पर फंस गया है, वहां से निकल नहीं रहा, पास्ट में कुछ हो गया है वहां पर जाकर के फंस गया है, वहां से निकल नहीं रहा। इसीलिए लोग ट्रैकिंग करते हैं, कभी किसी ने ट्रैकिंग करी है आप में से? क्या होता है जब एक पहाड़ के ऊपर हम चढ़ करके जाते हैं और वहां पर ऊपर जाकर के बैठते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है उसमें? बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आप एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, एकदम से गाड़ी आपकी वहीं है, समझना इसको, ध्यान से समझना, गाड़ी वहीं है, फंसी पड़ी है, गाड़ी मतलब माइंड, लेकिन आप दूर आ गए, कहीं भी बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आराम से देखो, मैं देखता हूं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं, बस इतना बोल करके रुक जाओ और ऑब्जर्व करो कि अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं। तो ये ऑर्डर क्रिएट होता है लिखने से, सो दिस राइटिंग इज अ वेरी गुड आइडिया। यानी जब भी हम अंदर पजल्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक पेपर लिया, उसके बीच में एक लाइन खींची, इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन, क्या प्लस है, क्या माइनस, माइंड बड़ी जल्दी क्लियर होता है लिखने से। जो भी आपको लगता है जैसे ही उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है और इस क्लियर डिफरेंस को आप देखने लग जाते हो लाइफ में कि मुझे क्या लगता है और क्या है। हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, नेगेटिव से बचाना, एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं, एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना, दैट इज रियल पॉजिटिव। वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है, आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो। कोई भी चीज गंदी अच्छी नहीं होती है, जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं किसी सिचुएशन को वो गंदी अच्छी होती है। नहीं तो हम हमेशा गलती क्या करते हैं, इम्प्योर थॉट क्या है, हम अपने आप को सही प्रूव कर देते हैं, एज इफ कि हमारे अंदर सब कुछ सही ही सही, पर सामने वाले को एक मिनट में गलत प्रूव कर देते हैं, जैसे कि उसके अंदर सब कुछ गलत ही गलत है। उसके अंदर कुछ गलत भी है और सही भी है, ऐसे ही हमारे अंदर कुछ गलत भी है और सही भी। तो इसको देख लेना इज अ प्योर थॉट। खुद उसके लिए बोल तो रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद देखा जाए तो उसके लिए 10% कर रहा हूं, लेकिन बदले में उससे 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं खुद नहीं बदल रहा हूं लेकिन उसको बदलना चाहता हूं। तो जैसे ही हमको ये समझ आएगा तो क्या होगा, क्या हमारे एक्शंस नहीं बदल जाएंगे, क्या उसको देखने का नजरिया नहीं बदल जाएगा? डिवाइन परफेक्शन का मतलब क्या, कि हमारा नेचर ऐसा बन जाए, हमारी आदतें ऐसी बन जाए कि ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में ही जाए। उसी को कहेंगे ना डिवाइन परफेक्शन, यानी कि कुछ ऐसे थॉट्स जिसका एंड रिजल्ट खुशी हो, शांति हो, सेटिस्फैक्शन हो, सेल्फ ग्रोथ हो,
सिर्फ आउटर ग्रोथ नहीं, सेल्फ ग्रोथ। फ्यूचर से रिलेटेड जब भी आप ओवरथिंकिंग में जा करके फंस रहे हो, समझ जाओ दो वजह से फंस रहे हो। या तो आप फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हो या अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डेली अगर दिन का आप 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज करते रहे तो अगले 5 साल बाद आपकी बॉडी की हालत कैसी होगी, क्या इसका आप एस्टिमेट लगा पा रहे हो, क्या इस फ्यूचर को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। अगर आप इसको करेक्टली एस्टिमेट करो तो आप क्या करोगे, नंबर वन प्रायोरिटी पे डाल दोगे अपनी हेल्थ। एक्चुअल में देखो अपनी बॉडी की क्या कंडीशन है, एक्चुअल में देखो अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है किसी भी वजह से तो समझ जाओ कुछ बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर फिजिकली फिट हो तो ब्रेन ठीक से काम करेगी, तब आप सोच सकते हो। बिना सोचे क्या खाक फ्यूचर को प्लान करोगे? फ्यूचर को प्लान नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसा होगा? दिन में शुरू में अगर 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मजा आने लग जाए, फिर एक नई हैबिट पड़ेगी। आज है अवेयर ना रहने की हैबिट, होए रहने की हैबिट, इमेजिनेशंस में जीने की हैबिट, फिर कैसी हैबिट पड़ेगी, यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट। तब आपको एक्चुअल में जो रियलिटी होती है उसका आंसर समझ आता है, वो क्या है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग विद एन इन्फिनिट पोटेंशियल। क्योंकि अंदर जिस तरह की इंफॉर्मेशन फीड करी जाती है उसके हिसाब से एक्शन होने लग जाता है, जिस लेवल की इंफॉर्मेशन होती है उस लेवल का एक्शन होता है, उसी लेवल के रिजल्ट्स आते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड। बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं माइंडसेट का ध्यान जिस तरह से बॉडी का ध्यान रखते। लो एनर्जी फूड खाओगे तो बॉडी में कैसी एनर्जी होगी, लो होगी। हाई एनर्जी फूड खाओगे तो हाई एनर्जी होगी, ऐसे ही माइंड के साथ में है। इतना सिंपल है, लेकिन मजा किसमें आता है? आलू को उबाल करके खाने में टेस्ट है, आलू के चिप्स खाने में टेस्ट है, चिप्स खाने। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अब इसी फंडे को माइंडसेट से रिलेट, एक तरफ से है ऐसा फूड आपके माइंड के लिए जहां से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका माइंडसेट और बेटर होता चला जाएगा, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। हमारे पास में हमेशा चॉइस होती है कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं, वो चॉइस होती है नहीं होती। मोबाइल में हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, गंदगी से गंदगी और अच्छे से अच्छे, प्योर से प्योर और इम्प्योर से इम्प्योर, चॉइस किसके हाथ में कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है? हमारे हाथ में है। यानी अपने थॉट्स को बदल करके हम अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। जैसे ही एक्शंस बदलते हैं हमारी आदतें बदलती हैं, जैसे ही आदतें बदलती हैं हमारा कैरेक्टर बदलता है, जैसे ही कैरेक्टर बदलता है हमारी लाइफ बदलती है, लाइफ बदलती है तो हमारी किस्मत बदल जाती है।